नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की टीम ने पटना सिटी के खाजेकेला थाना क्षेत्र के गंगा घाटों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस मौके पर प्रशासन की टीम ने नौजर घाट से लेकर मित्तन घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने गंगा घाटों पर अवैध रूप से बने खटालों को जहां हटा दिया, वहीं घाटों पर बने अवैध झोपड़ियों को भी जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया। प्रशासन की टीम ने माइकिंग कर अवैध अतिक्रमणकारियों से अविलंब अवैध कब्जा खाली किए जाने की भी अपील की है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। यहाँ पर पटना में गंगा नदी के किनारे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं। अक्षय व्रतियों की सुविधा के लिए सभी जगह पर घाट तैयार किए जाएंगे। गंगा नदी के किनारे जो आने का रास्ता है उसको भी तैयार किया जाएगा, और जो भी जगह हैं वहाँ पर जो छठ व्रतियों की सुविधा है, जैसे शौचालय है, चेंजिंग रूम है, वहाँ पर आने जाने के लिए रास्ते हैं, उन सभी चीज़ों को तैयार किया जाएगा। पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, और इसके अतिरिक्त आपदा से बचाव के लिए भी SDRF NDRF की प्रतिनियुक्ति रहेगी। स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दी जाएंगी। गंदगी के सफाई के लिए पूरी टीम लगा दी गई है नगर निगम के द्वारा, और हम लोग के द्वारा लगातार निरीक्षण करके इन सभी तैयारियों को पूरा किया जाएगा।